लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर वजीर अला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही ने नौजवान पर तशद्दुद करते एक शख्स की वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने CCPO लाहौर को मेंशन करते हुए कहा कि ये जो कोई भी है उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और पंजाब के वजीर अला चौधरी परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स मेन रोड पर गाड़ी खड़ी करके पिस्तौल के नोक पर नौजवान पर तशद्दुद कर रहा है। दौलत और ताकत के नशे में चोर शख्स ने रियासत की रट को चैलेंज करते हुए मेन रोड के दरमियान में बिला खौफ खतर पहले तो नौजवान को थप्पड़ रसीद किए, इसके बाद गाड़ी से पिस्तौल निकालकर नौजवान को जमीन पर गिराया और उसके मुंह पर लातें बरसाई। वीडियो के दौरान देखा जा सकता है कि मेन रोड पर ट्रैफिक रवा दवा है और मगरूर शख्स के पास गन होने की वजह से कोई भी शख्स नौजवान की मदद को नहीं आया। इस दौरान ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई।